अल्लाह देता केव्स की ये साइट है। यहाँ पर ऊपर दरख्तों की जो जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा लटकी हुई नज़र आ रही हैं, जो इस जगह को और ज़्यादा पुराना, डरावना और खौफनाक बनाती हैं।
यहाँ पे एक हौज़ बना हुआ है और इस हौज़ में काफ़ी ज़्यादा रंगीन मछलियाँ छोड़ी हुई हैं इन्होंने। ये पहाड़ का दामन काफी हिस्टोरिक व्यू पेश कर रहा है। व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ बैठने की जगह भी इन्होंने बनाई हुई हैं और साथ ही मुझे एक दो होटल्स भी नज़र आए हैं। यहाँ पे आपको चाय, स्नैक्स, पकौड़े वगैरह मिल जाते हैं। ये लोगों के रेस्ट करने की जगह है और साथ ही पीछे जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दो कंटेनर्स रखे हुए हैं जो टूरिस्ट की गाइडेंस के लिए हैं, लेकिन आज चूँकि सैटरडे है तो ये बंद है। ये रेस्टोरेंट का रास्ता है, बहुत ही रॉ शक्ल में बना हुआ है लेकिन है खूबसूरत। वो लोग जो नेचुरल ब्यूटी की तलाश में यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए ये जगह खूबसूरत है। आज वैसे भी क्लाउडी डे है तो दिन की रोशनी कम है, जगह ज़्यादा बेहतर और हसीन नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी टेबल और चेयर्स रखी हुई हैं रेस्ट करने के लिए, खाने पीने के लिए। ये यहाँ पे ये जो केव्स बने हुए हैं ये चूँकि पहाड़ी इलाके में हैं तो नेचुरल ब्यूटी अपनी जगह है। कुछ थोड़ा सा लोगों ने हाथ पैर मार के कुछ इसको सजाया हुआ है,
ताकि वो लोग जो यहाँ पे आएँ तो उनको बेहतर मौके मिल सकें। कुछ दरख्तों की टहनियों में यहाँ झूले भी नज़र आ रहे हैं जो झूला लेने के लिए लगाया हुआ है। हर तरफ एक डरावना सा माहौल है। दरख्तों की जो जड़ें हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई नज़र आती हैं और बहुत ज़्यादा विंटेज लुक और बहुत पुराना कदीम लुक यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्या नाम है बेटा? रोहेल अब्बासी। अब्बासी, रोहेल अब्बासी, कहाँ के रहने वाले हैं? नथिया गली। नथिया गली के? यहाँ होटल किया हुआ है आपने? नहीं, मैं इधर काम कर रहा हूँ बंदे के साथ। अच्छा, घर वाले उधर ही हैं, मैं इधर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेटा क्या अवेलेबल है आपके इस रेस्टोरेंट में, क्या क्या मिलता है इधर? सर चाय होती है, पकौड़े, फ्राइज, ग्रीन टी, कश्मीरी चाय, वो सब मिलता है। फिश जी। किस दिन ज्यादा रश होता है यहाँ पे? हफ्ता एतवार, जुमा हफ्ता एतवार, तीन दिन। तीन दिन तो आज तो हफ्ता है लेकिन चूंकि बादल हैं इसलिए लोग ज्यादा नहीं है। लोग ज्यादा नहीं, लेकिन लोग आते हैं वैसे यहाँ पे। वैसे आते हैं क्योंकि अभी। क्या आपका चाय कैसे दे रहे हैं और ग्रीन टी कैसे देते हैं? ग्रीन टी 50, चाय 100 और कश्मीरी चाय 150। 150 रुपए और साथ पकौड़े वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, तो आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे बेटा इस जगह में? शाला देता हूँ, मुझे 4 साल हो गए और इधर काम करते हुए 2 महीने पहले नीचे शाला देता, मैं गांव में काम कर रहा था। गांव में किसी के घर पे? नहीं नहीं, होटल पे कर रहा। होटल पे कर रहे थे। अच्छा ठीक है, जीते रहो बेटा रोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स, ये बहुत ही अच्छी सीनरी है यहाँ पे, इसके जो केव्स हैं इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और ये बेसिकली पहाड़ों में ही बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मकान भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, काफ़ी मकान बने हुए हैं और माशाल्लाह खूबसूरत सीनिक ब्यूटी है। और ख़ासूसन अगर बादल ना हो तो आप फिर अर्ली इन द मॉर्निंग आएँ और या फिर शाम यहाँ पे आके अपना एंजॉय कर सकते हैं। ये जगह मुझे लगता है कि गर्मियों में भी बेहतर जगह होगी, यहाँ पे थोड़ी सी मौसम बेहतर होगा, यहाँ पे चूँकि साया है, दरख्त हैं, सब्ज़ा है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आके। व्यूअर्स, शाला दित्ता का आज टूर रहा और यहाँ पे जो केव्स हैं उसको मैंने यहाँ पे उसकी वीडियो बनाई है, मुझे लगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। और अगर आप इस्लामाबाद पिंडी के मज़ाफात में रहते हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान है, आप विज़िट कर सकते हैं। किसी और शहर से अगर आप आएँगे तो ये जगह इस्लामाबाद मरगला का जो नया रोड है, मरगला रोड, आप उसके ऊपर भी आ सकते हैं, ब्लू एरिया से भी आ सकते हैं। ये जगह थोड़ी सी इसकी रोड ख़राब है और आप यहाँ के एंजॉय कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ के आप खुश होंगे और यहाँ के माहौल को भी एंजॉय करेंगे और हिस्टोरिकल जो प्लेस है इसको भी एंजॉय करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत बहुत शुक्रिया।